नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए चाणक्य नीति, वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म शास्त्रों से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं, जिन्हें आप देखकर अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह पांच गलती इंसान को निर्धन और गरीब बना देती है, और वो इंसान कभी भी अपने जीवन में अमीर नहीं बनता। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने कौन सी पांच गलतियों का जिक्र किया है जो आपको जीवन में हमेशा कंगाल बनाकर रखती है? इनके बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए ताकि पृथ्वी पर धर्म को कायम रखकर वो मनुष्यों की मदद कर सकें। इन्हीं में से एक था उनका श्री कृष्ण अवतार, जिसने असंख्य लोगों को प्रभावित किया। त्रेता युग में आए भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही उदाहरणों से भरा रहा, और समय आने पर वो अपने भक्तों की रक्षा से कभी भी पीछे नहीं हटे। वो हम सभी के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हैं। पुराने समय में साधु संतों ने कृष्ण भगवान के उपदेशों को लिखित रूप में दिया था, जिनका साक्ष्य आज भी मौजूद है। ये जरूरतमंदों के लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं है। उन लेखों में से आज हम आपके लिए वो पांच कुछ ऐसे चीज लेकर आए हैं जो बताते हैं कि आपके घर से गरीबी को आप कैसे दूर ले जा सकते हैं। इन पांच बातों को अपनाकर आप अपने जीवन में निर्धनता से दूरी बना सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप अपने घर में घी का दीपक जलाएं। प्राचीन समय से अपने परिवार के कुल देवी या देवता के सामने दीपक जलाने की प्रथा चली आ रही है। जहां कुछ लोग शाम के समय दिया जलाना सही मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग सुबह के समय दिया जलाना शुभ समझते हैं। बहरहाल, हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति को सुबह और शाम दोनों वक्त अपने घर में घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में निर्धनता दूर होती है, घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और देवी देवता आपसे खुश रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहमान को पानी कैसे देना चाहिए। दोस्तों, हमारे लिए मेहमान भगवान के समान होता है, उनका पूरा मान सम्मान हमें करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमारे घर आए, उसे सबसे पहले पानी देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी प्यासे की दुआ सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, इसलिए घर आए मेहमान को सबसे पहले आप पानी दें और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अशुभ होने पर मेहमानों को पानी पिलाने से भी कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए आप अच्छे काम करें ताकि आपके ग्रह नक्षत्र आपकी पक्ष लें और आपके बुरे दिन टलते रहें। इसके बाद दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण शहद के बारे में कहते हैं कि हमें घर में शहद रखना चाहिए। शहद भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, ये घर की सबसे साफ सुथरी जगह पर रखें। शहद पूरे घर में सकारात्मकता प्रभाव लाता है, साथ ही ये घर से नकारात्मकता ऊर्जा को दूर रखने में आपकी मदद करता है। आप शहद को अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं।
जिससे कि शहद आपके घर में देवी शक्तियों का आगमन करता है ताकि आप निर्धनता से दूरी बना कर रखें। इसके बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पवित्र तिलक के बारे में। माना जाता है कि तिलक दिमाग को शांत और स्थिर रखता है। ज्योतिष विदों के अनुसार व्यक्ति को अपनी राशि और जन्म कुंडली के अनुसार सिंदूर, चंदन आदि का तिलक लगाना चाहिए। आप विशेषज्ञों की मदद लेकर अपने लिए उत्तम तिलक की जानकारी हासिल भी कर सकते हैं। ये लंबी अवधि में प्रभावशाली साबित होगा और घर को गरीबी से दूर रखने में भी ये आपकी मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों माँ सरस्वती की वीणा। आम तौर पर वीणा को घरों में सजावट के सामान की तरह रखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि यह वीणा रखने से आप किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। ये वीणा आपको एक खुशहाल जीवन दे सकती है, क्योंकि आपके सभी आर्थिक और गैर आर्थिक काम वीणा की मौजूदगी के कारण कामयाब हो जाएंगे। वीणा माँ सरस्वती का दूसरा रूप है, इसलिए आप अपने घर में वीणा जरूर रखें ताकि आप अमीरी की जिंदगी जी सकें और गरीबी की जिंदगी आपके नजदीक तक ना आए। तो दोस्तों आप ये उपाय करके अपने घर की गरीबी दूर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल पर चाणक्य नीति, मोटिवेशनल और वास्तु शास्त्र से संबंधित और हिंदू धर्म शास्त्रों से संबंधित वीडियो देखने के लिए टोटल ज्ञान चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।